निचले तबके के जो इन्वेस्टर हैं, जो छोटे इन्वेस्टर हैं, उन लोगों को चाहिए अब जो है वो इंस्टॉलमेंट पे प्रॉपर्टी चाहिए। अब इंस्टॉलमेंट में आपको कमर्शियल प्रॉपर्टी भी यहाँ पे मिलती है कमर्शियल के अंदर। अब कोई कमर्शियल शॉप आपको चाहिए, कमर्शियल जो आपको हॉल चाहिए वो यहाँ पे मिलता है, ठीक है, कहीं पे भी किसी भी प्रोजेक्ट में आपको मिल जाएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। सो गाइस, वादे के मुताबिक जिस तरह आप लोगों को हमने जो है वो ऑलरेडी राइट साइड दिखाई थी बिजनेस डिस्ट्रिक्ट की, तो आज आप लोगों को एक बार फिर जो है वो बिजनेस डिस्ट्रिक्ट हम लोग व्यू करवाने जा रहे हैं, जिसमें जो है ना हम आपको दिखाएंगे जब हम लोग फेज 7 से आते हैं रिंग रोड से, जो लेफ्ट साइड है आपको आज हम लेफ्ट साइड विजिट करवाएंगे कि लेफ्ट साइड में कितने प्रोजेक्ट जो है वो बन रहे हैं। ऑलरेडी हमारे जो चैनल के ऊपर जो है ना वो राइट साइड की आपकी वीडियो ऑलरेडी आपको मिल जाएगी, उसका लिंक भी वीडियो के अंदर दिया गया है, ठीक है। कि जिन लोगों ने वो साइड विजिट नहीं की थी, राइट साइड नहीं देखी थी कि राइट साइड में कितने प्रोजेक्ट चल रहे हैं, तो लेफ्ट साइड जो है उसमें इस वक्त जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं वो आज आप व्यू करेंगे इस वीडियो में प्रॉपर इंशाल्लाह ताला। तो उसमें आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि बिजनेस डिस्ट्रिक्ट में राइट साइड पर जो है वो कितने प्रोजेक्ट चल रहे हैं, लेफ्ट साइड पर कितने प्रोजेक्ट चल रहे हैं। तो गाइस, ऐसा है कि बिजनेस डिस्ट्रिक्ट में जैसा कि आप लोगों को आइडिया है कि यहाँ पे कनाल, 2 कनाल, 5 मतलब यहाँ पे प्रोजेक्ट हैं, लेकिन जो आपका बहरिया फेज़ 1 का जो हेड ऑफिस का एरिया है उसमें लेफ्ट राइट सारे कमर्शियल जो है ना वो काफ़ी तादाद में बने हैं, वो काफ़ी लेफ्ट राइट को उन्होंने कवर किया हुआ है। तो इसमें अगर आपका जो है वो फेज़ 8 कमर्शियल जो है आपका बिजनेस डिस्ट्रिक्ट कमर्शियल जो है इसमें आपका हेड ऑफिस मूव होता है यहाँ पे, तो उसमें इसलिए लोग जो है वो फेज़ 8 के आसपास जो है वो कमर्शियल ज़्यादा बना रहे हैं ताकि यहाँ पे जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वो लोग रेंट पे आके जो है ना वो उनको अपार्टमेंट्स वगैरह लें, शॉप लें, ताकि कल को बहरिया हेड ऑफिस यहाँ मूव हो जाएगा तो उससे उनको उससे बेनिफिट मिलेगा। तो आज जो है हम आपको लेफ्ट साइड व्यू करवा रहे हैं। लेफ्ट साइड में ये है कि मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह आपके राइट साइड पर जो है वो प्रोजेक्ट्स की तादाद है, जितने बड़े प्रोजेक्ट और जितनी ज़्यादा तादाद में बन रहे हैं, शायद उस तादाद में आपके लेफ्ट साइड पर प्रोजेक्ट नहीं बन रहे, लेकिन फिर भी माशाल्लाह यहाँ पे भी काम काफ़ी तेज़ी से लगा हुआ है, काफ़ी तेज़ी से जो है ना यहाँ पे लोग कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। तो बाकी ये है कि आपको बताता चलूँ कि आपके जो है वो रिंग रोड के इफ्तिताह के बाद काफ़ी तेज़ी आई है मार्केट में कमर्शियल प्रॉपर्टी में भी, और फिर से जो है वो आपके एक दो सेक्टर्स है जिसमें जो है आपका फेज़ 8 एक्सटेंशन भी था और ऑर्चर्ड भी था, उसमें भी जो है वो आपकी काफ़ी तेज़ी आई थी, लेकिन फेज़ 8 एक्सटेंशन और आपका ऑर्चर्ड में रेट फिर से आपका स्लो हो गया था। उसकी जो है हम आपको नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह इन्फॉर्मेशन फराम करेंगे कि फेज़ 8 एक्सटेंशन और ऑर्चर्ड में क्या आपके साथ हुआ और आगे क्या होगा, वो आप लोगों को इंशाल्लाह इन्फॉर्मेशन उसकी देते रहेंगे। तो बाकी ये है कि अब फेज़ 8 के अंदर जो ये प्रोजेक्ट आप काफ़ी तादाद में बन रहे हैं, इनमें इन्वेस्ट किया जाए या नहीं किया जाए उसके बारे में थोड़ी सी ब्रीफ करता हूँ आप लोगों को। देखें कि इस वक्त जो आपकी आबादी है वो फेज़ 8 की आबादी, क्योंकि फेज़ 8 में आपके 45 से लेकर अप्रॉक्सीमेटली 50 प्लस सेक्टर मौजूद हैं इस वक्त, जिसमें आपके पास चॉइसेस हैं 5, 7, 10 और कनाल मर की, ठीक है। तो इनमें क्या है कि फिर जो है वो अब ये प्रॉपर्टी काफ़ी कॉस्टली हो चुकी है, 5 मरला भी, 7 मरला, 10 मरला कनाल अब जो है ना वो अब आपकी रेंज में नहीं रहा। तो इसलिए जो निचले तबके के जो इन्वेस्टर हैं, जो छोटे इन्वेस्टर हैं, उन लोगों को चाहिए अब जो है वो इंस्टॉलमेंट पे प्रॉपर्टी चाहिए। अब इंस्टॉलमेंट में आपको कमर्शियल प्रॉपर्टी भी यहाँ पे मिलती है कमर्शियल के अंदर। अब कोई कमर्शियल शॉप आपको चाहिए, कमर्शियल जो है आपको हॉल चाहिए वो यहाँ पे मिलता है, ठीक है, कहीं पे भी किसी भी प्रोजेक्ट में आपको मिल जाएगा। अब जो इन्वेस्टर चाहते हैं कि जी हमें अब रेजिडेंशियल कोई अपार्टमेंट चाहिए, हमें कोई मिसाल के तौर पर किसी ने अगर कोई घर लेना था, 3 बेडरूम घर लेना था किसी ने, 5 मरले का, 5 मरले का घर अप्रॉक्सीमेटली जो है आपका हो गया 1.5 करोड़ का, 1 करोड़ 60-70 लाख रुपए का। तो अब उस बंदे की अगर रेंज थी 1 करोड़ या 1 करोड़ 10 लाख रुपए का, उसने रेंज सेट की हुई थी, तो वो डेफिनेटली जो है वो आएगा आपके 5 मरले के ऊपर, सॉरी 3 बेडरूम के ऊपर, के वो 3 बेडरूम का अपार्टमेंट लेगा, उसमें जो है ना वो इन्वेस्ट करेगा इंस्टॉलमेंट पर वो प्रॉपर्टी लेके, उससे अपना जो है वो अपनी अपने लिए छत बनाएगा। तो यह है कि मोस्टली लोग जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं तो वो जो है ना, या एलीट क्लास के मोस्टली तबका जो है वो अपार्टमेंट्स में रहना अपने आप को सिक्योर महसूस करते हैं कि वहाँ पे कोई चोरी चकारी का कोई खदशा नहीं होता, वहाँ पे सिक्योरिटी सेफ्ट होती है, इन आउट जो है वो आपका एक होता है, वहाँ पे सिक्योरिटी के इंतजाम होते हैं, तो इसलिए लोग जो है वो उस चीज़ को ज़्यादा पसंद करते हैं बनिस्बत फिर घरों के, और बनिस्बत जो है वो आपके लोकल जो है अपार्टमेंट से, लोकल अपार्टमेंट के।
तो यहाँ पे जो आपके अपार्टमेंट्स बनने जा रहे हैं वो भी लग्जरियस स्टाइल के अपार्टमेंट्स बनने जा रहे हैं। यहाँ पे आपकी जो कमर्शियल प्रॉपर्टी बनने जा रही है वो भी आपका लाइक मोस्टली जो है वो मॉल का नाम इख्तियार करके यहाँ पे कोशिश सब की यही है कि वो यहाँ पे मैक्सिमम ब्रांड्स लेके आए। बाकी आपका ये है कि फ्यूचर का स्कोप यहाँ पे बनेगा कि नहीं बनेगा, वो ये बता देता हूँ आपको कि फ्यूचर का स्कोप आपका यहाँ क्यों बनेगा। देखिए कि जो लोग जिन्होंने ऑफिस बनाए हुए हैं ब्लू एरिया के अंदर, अब ब्लू एरिया की जो प्रॉपर्टी है वो रेंटल वैल्यू के हिसाब से भी बहुत कॉस्टली होगी, कि लोगों के पास इस वक्त हालात ये हैं कि वो ब्लू एरिया में रेंट पे कोई जो है वो हाल लेकर कोई 2-3 बेड का अपार्टमेंट रेंट पे लेकर उसमें अपना कोई कंपनी बनाना चाह रहे हैं लेकिन बना नहीं पा रहे। उसकी वजह यह है कि वहाँ पर जो आपकी रेंटल वैल्यू वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, अगर वहाँ पर कोई परचेज भी करना चाहते तो वो भी बहुत हैवी है। अब मोस्टली जो कंपनी हैं इंटरनेशनल कंपनी हैं या नेशनल कंपनी है या मल्टीनेशनल कंपनी हैं, उन लोगों ने रुख इख्तियार कर लिया है आपका इस वक्त बहरिया फेज़ेड ब्लू बिजनेस डिस्ट्रिक्ट के अंदर, क्योंकि आपका बिजनेस डिस्ट्रिक्ट जो है वो फ्यूचर का ब्लू एरिया बनने जा रहा है। तो लोग यहाँ पे अभी इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं, लोग अपने लिए बड़े हॉल भी जो है वो बुक करवा रहे हैं, लोग यहाँ पे अपने लिए शॉप्स अपार्टमेंट्स ईच एंड एवरीथिंग वो बुक करवा रहे हैं, क्योंकि वो बिजनेस के हवाले से भी रिहाइश के हवाले से भी बनिस्बत ब्लू एरिया के यहाँ पे उनको जो रिहाइश है वो थोड़ी रिजनेबल अमाउंट में पड़ती है। तो जो ब्लू एरिया में अप्रॉक्सीमेटली उनको रेंट पड़ता है नेशनल कंपनी को या नेशनल कंपनी को, वो रेंट यहाँ पे सस्ता पड़ेगा। अब नेशनल या मल्टीनेशनल या इंटरनेशनल कंपनी को ये इलाका सूट करेगा कि नहीं करेगा, वो इसलिए सूट करेगा उनको कि आपका जो है वो नेशनल कंपनी को जो है वो रुझान ज़्यादा एयरपोर्ट के साथ होता है। ब्लू एरिया का वो इसलिए पसंद करते हैं कि वहाँ से वो एयरपोर्ट से उतरते हैं सीधा जो है वो मोटरवे के ज़रिए G13 और G13 से आगे आप इस्लामाबाद ब्लू एरिया चले जाते हैं। तो वो उन कंपनियों को जो है इंटरनेशनल कंपनी को इंटरनेशनल इदारों को वो एरिया सूट करता है। अब जब आपका इंशाल्लाह ताला जब तक आपके ये प्रोजेक्ट्स कंप्लीट होंगे तो फ्यूचर में आपका रिंग रोड भी इंशाल्लाह विद इन 2 ईयर्स या 3 ईयर्स कह लें कि आपके जो है वो रिंग रोड भी कम्प्लीट हो जाएगा। जब आपका रिंग रोड कम्प्लीट होगा तो जिन कंपनियों का ज़्यादा रुझान ये है कि नेशनल या इंटरनेशनल या मल्टीनेशनल के तौर पे जो काम कर रही हैं, जिनका ज़्यादा काम जो है वो एयरपोर्ट और एयरपोर्ट से अपने ऑफिस तक होता है कि कोई चीज़ अगर भिजवानी है बाहर किसी उसमें डॉक के ज़रिए एयरपोर्ट पे, तो वो उनके लिए सूटेबल है कि आपका बिजनेस डिस्ट्रिक्ट से अप्रॉक्सीमेटली जब आपका इंशाल्लाह ताला बिजनेस डिस्ट्रिक्ट कम्प्लीट हो जाएगा तो मैं समझता हूँ कि आप अगर तेज़ी के साथ जाते हैं जिस तरह के यहाँ पर रोड बने हुए हैं आपको रश नहीं फेस करना पड़ता तो आप 25 से 30 मिनट में मैक्सिमम जो है आप एयरपोर्ट पर पहुँच जाएंगे। आपका जो है वो 38 किलोमीटर का अगर फासला है तो यहाँ पे टोटल आपका जो है मैं ये समझता हूँ कि आपका मैक्सिमम बिजनेस डिस्ट्रिक्ट से एयरपोर्ट का फासला जो है वो 60-65 किलोमीटर रह जाएगा। और 60-65 किलोमीटर जिस तरह आप G13 से अगर या ब्लू एरिया से जाते थे स्ट्रेट फॉरवर्ड जो आप एक लाइन में जाते थे एयरपोर्ट पर, वही चीज़ें आपको यहाँ पर फेस करनी पड़ेंगी कि आपने स्ट्रेट यहाँ पर रिंग रोड पर चढ़ना, रिंग रोड पर स्ट्रेट आपने एयरपोर्ट पर जाना है। इसके अलावा काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि सूट करती हैं ओवरऑल KPK के लोगों को, जनूबी पंजाब के लोगों को, कि जिन्होंने फॉर एग्ज़ाम्पल के पेशावर एयरपोर्ट से आना है, किसी ने अगर CPAC को जो है ना फॉलो करते हुए आना है, जैसा कि DA खान के लोग हो गए, डेर इस्माइल खान के, और आपके जो है वो मियांवाली के लोग हो गए, जनूबी पंजाब का इलाका जैसे लैया कोटद्दू DG खान ये सारे इलाके हो गए वहाँ के लोगों को, फिर ये आपका जो फेज़ 8 का एरिया है वो सूट करता है। मैं ये समझता हूँ कि जिसने अगर आके आप समझते हो कि जी जिसने बाहर की चक्की रोड की सोसाइटियों को में आके इन्वेस्ट करना है, कि बनस्पत वो उसकी बजाय वो आपकी फेज़ 8 की सोसाइटी बैरिया में इन्वेस्ट करना ज़्यादा पसंद करेंगे, फेज़ 8 को जो है ना वो ज़्यादा अहमियत देंगे बनस्बत आपकी बाहर की सोसाइटियों की, ये एक सिक्योर इन्वेस्टमेंट है, किसी किस्म का यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह NOC का प्रॉब्लम नहीं है, अल्लाह का शुक्र है कि एक सेटल सोसाइटी है और एक आपकी जो है वो एशिया की सबसे बड़ी सोसाइटी है बहरिया टाउन। तो यह है कि बहरिया टाउन में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं चाहे कमर्शियल प्रॉपर्टी में चाहे रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में, सआदत एसोसिएट्स अपना काम अल्हम्दुलिल्लाह ईमानदारी के साथ और पूरी मेहनत के साथ कर आप लोगों के लिए एक आप लोगों को एक बहुत ज़बरदस्त सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। आपको हम जो है ना ऑन ग्राउंड जाके दिखाते हैं कि यहाँ पे प्रोजेक्ट्स कितने बन रहे हैं, हम आपको क्योंकि प्लॉट होता है वो ऑन ग्राउंड आपके जाके दिखाते हैं, कोई घर होता है वो जाके दिखाते हैं कि ये घर आपको ऑफ़र किया जा रहा है, इतने में ऑफ़र किया जा रहा है, जो भी चीज़ें हैं हम कोशिश कर रहे हैं कि हम आपके लिए मैक्सिमम जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनके लिए और पाकिस्तानी जो हमारे भाई हैं उन सब के लिए हम मैक्सिमम जो हम सहूलियात फराहम कर सकते हैं, हम सादत एसोसिएट उस पर काम कर रहे हैं, डे बाई डे हम उसमें इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश कर रहे हैं और हम आपके लिए जो है वो
एक चीज़ को पॉजिटिविटी शो कर रहे हैं और आपको दिखा रहे हैं कि आप अगर इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो आपके लिए कितने रास्ते आसान हैं। तो इंशाल्लाह ताला इसमें आपके लिए आगे भी हम आसानियाँ पैदा करेंगे और आप लोगों के लिए इस तरह के प्रोडक्ट्स लेके आते रहेंगे। तो गाइस अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सादत एसोसिएट्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आप लोगों को बरवक्त मिल सकें और आप लोग मुस्तफ़ीद हो सकें। गाइस होपफुली आज की जो होपफुली आपकी जो आज की इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए मुस्तफ़ीद साबित हो। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नई वीडियो में नई मालूमात के साथ, तब तक के लिए अपने मेज़बान सादत खान को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नई वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।